कैसा लगा? आई एम सो हैप्पी फॉर साहिल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विशेस टू हिम. मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, अभी मूवी नहीं देखी है, बट आई एम श्योर वो बहुत अच्छी होगी. एंड ऑल द बेस्ट टू साहिल. शॉर्ट्स, ये जो फिल्म है तो मेंटल हेल्थ को लेके है. व्हाट इज योर टेक ऑन मेंटल हेल्थ? एक्टर्स हर कोई मेंटल हेल्थ से गुजरता है, राइट? आई वोंट से हर कोई, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो जरूर मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं. एंड आई एम श्योर हम लोगों के आसपास बहुत लोग होंगे भी जिनके बारे में हमें नहीं पता है. बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो you know, I'm so happy that I have a friend like Sahil who's talking about this topic. This is actually such a sensitive topic, but I'm so happy for him. And I wish him all the best. And please, guys, be kind to each one who's around you, because you never know what someone is going through. So please be kind to them. And अगर आप लोग आप भी किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो please अपने जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके loved ones हैं, आप please उनसे बात कीजिए. आपके कैरेक्टर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं आपके शो को लेकर. सुपर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार मिलना क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होती. बट हाँ, मैं यही बोलूंगी थैंक यू, और आपको ऐसे ही मैं प्यार देती रहूंगी, आप मुझे पलट के प्यार देते रहना. वे यू ड्रेस अप शो में तो वो भी लोग काफी पसंद करते हैं, चाहे वो आप साड़ी पहनना हो, हर तरह से जो कॉस्ट्यूम आप पहनते हो उसको लेके कितनी तैयारी आप करती है और कितना समय उसको. अब मुझे आदत हो गई है लहंगा पहनने की, रोज लहंगा उठा के चल रही है. एंड अभी तो बिकॉज ऑफ रेन माई ब्रेन इज हेवायर राइट नाउ, बिकॉज पूरा लहंगा उठा के सेट तक जाना होता है. बट एनी वे मुझे आदत हो गई है. सो पहले स्टार्टिंग में मुझे कुछ टाइम प्रॉब्लम थी, बिकॉज बहुत हैवी लहंगा होते हैं, पता भी नहीं चलता आप लोगों को ऑन स्क्रीन, बट वो बहुत हैवी होते हैं. बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट एंड आई लव कूजी, सो आई कैन डू एनीथिंग. अमर सर का कैसा है आपका ज्वेलिंग और काम कैसे कर रहे हैं आपको? डे वन से ही बहुत अच्छा चल रहा है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों बहुत अच्छे हैं. बस वो कुछ ना कुछ तो मुझे समझाते ही रहते हैं शो के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली ही सीनियर टू मी, तो कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है इस ड्रेस में. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सिंपल एंड सोबर. थैंक यू सो मच, थैंक यू. बताना चाहेंगे इस कॉस्ट्यूम के बारे में? अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे को इंडियन बहुत ज्यादा पसंद है. दिस इज नॉट इंडियन, दिस इज इंडो वेस्टर्न. So I'm wearing mojri iske niche and niche salwar. I love patiala salwar. This is dhoti actually. And upar kameez hai with red bindi jo ki poovi bhi pehenti hai aur priyal ko bhi utni pasand hai. So yeah, simple. Apart from this, any upcoming project aur kya Bigg Boss mein aapki entry ho sakti hai? Guest ke taur par jo aap show kar rahi hai. Guest ke taur par to last year bhi hui thi, so I'm sure ho sakti hai. और अभी तो कुछ नहीं, अभी एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है. जस्ट डूइंग मूवी की, अगर कुछ होता है तो विल लेट यू. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. बेस्ट ऑफ लक, लवली टॉकिंग. थैंक यू, थैंक यू. आपने ट्रेलर देखा होगा, शॉर्ट फिल्म है, कैसा लगा? आई एम सो हैप्पी फॉर साहिल, ऑल द बेस्ट विशेस टू हिम. मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, अभी मूवी नहीं देखी है, बट आई एम श्योर वो बहुत अच्छी होगी. एंड ऑल द बेस्ट टू साहिल. शॉर्ट्स, ये जो फिल्म है तो मेंटल हेल्थ को लेके है. व्हाट इज योर टेक ऑन मेंटल हेल्थ? हर कोई, बट देयर आर सो मेनी पीपल जो जरूर मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं. एंड आई एम श्योर हम लोगों के आसपास बहुत लोग होंगे भी जिनके बारे में हमें नहीं पता है. बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो यू नो आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक साहिल हु इज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. दिस इज एक्चुअली सच अ सेंसिटिव टॉपिक, बट आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. एंड प्लीज गाइस बी काइंड टू ईच वन हु इज अराउंड यू, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू. सो प्लीज बी काइंड टू देम. एंड अगर आप लोग आप भी किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं, तो प्लीज अपने जो भी आपके आस पास है, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आप प्लीज उनसे बात कीजिए. आपके कैरेक्टर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं आपके शो को लेकर. सुपर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार मिलना क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होती. बट हाँ, मैं यही बोलूंगी थैंक यू, और आपको ऐसे ही मैं प्यार देती रहूंगी, आप मुझे पलट के प्यार देते रहना. वे यू ड्रेस अप शो में तो वो भी लोग काफी पसंद करते हैं, चाहे वो आप साड़ी पहनना हो, हर तरह से जो कॉस्ट्यूम आप पहनते हो उसको लेके कितनी तैयारी आप करती है और कितना समय उसको. अब मुझे आदत हो गई है लहंगा पहनने की, रोज लहंगा उठा के चल रही है. एंड अभी तो बिकॉज ऑफ रेन माई ब्रेन इज हेवायर राइट नाउ, बिकॉज पूरा लहंगा उठा के सेट तक जाना होता है. बट एनी वे मुझे आदत हो गई है. सो पहले स्टार्टिंग में मुझे कुछ टाइम प्रॉब्लम थी, बिकॉज बहुत हैवी लहंगा होते हैं, पता भी नहीं चलता आप लोगों को ऑन स्क्रीन, बट वो बहुत हैवी होते हैं. बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट एंड आई लव कूजी, सो आई कैन डू एनीथिंग. अमर सर का कैसा है आपका ज्वेलिंग और काम कैसे कर रहे हैं आपको? डे वन से ही बहुत अच्छा चल रहा है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों बहुत अच्छे हैं. बस वो कुछ ना कुछ तो मुझे समझाते ही रहते हैं शो के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली ही सीनियर टू मी, तो कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं.
और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है इस ड्रेस में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सिंपल एंड सोबर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बताना चाहेंगे इस कॉस्ट्यूम के बारे में? अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे को इंडियन बहुत ज्यादा पसंद है. दिस इज नॉट इंडियन, दिस इज इंडो वेस्टर्न. So I'm wearing mojri इसके नीचे and नीचे सलवार. I love पटियाला सलवार. This is धोती actually and ऊपर कमीज है with red बिंदी जो कि पूर्वी भी पहनती है और प्रियल को भी उतनी पसंद है. So yeah, simple. Apart from this, any upcoming project और क्या Big Boss में आपकी entry हो सकती है guest के तौर पर? जो आप show कर रही हैं guest के तौर पर तो last year भी हुई थी, तो I'm sure हो सकती है. और अभी तो कुछ नहीं, अभी एज ऑफ नाउ अभी कुछ नहीं है. जस्ट डूइंग मूवी. अगर कुछ होता है तो विल लेट यू. थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. थैंक यू.